TV9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति झा। यूं तो मानसून का इंतज़ार हम और आप तहे दिल से करते हैं, लेकिन जब ये आता है तो कई लोगों की जान भी लेता है। जी हाँ, कई परिवार से बहुत कुछ छिनता है और बिहार का हाल कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। बिहार में मौसम का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बिहार में मानसून के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन तापमान में भारी गिरावट के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। इस समय की अगर बात करें तो आपको बता दें कि बिहार के सुपौल, मधुबनी, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में भारी बारिश हो रही है और आगे भी होने के आसार नज़र आ रहे हैं। जबकि पश्चिम और पूर्वी चंपारण के कुछ स्थानों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इस समय बिहार की राजधानी पटना में काले बादल छाए हुए हैं। दक्षिण पूर्व से तेज हवाएं भी चल रही है। मानसून के बाद बिहार में लगातार बारिश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से राजधानी में मौसम अच्छा भी बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने बिहार को लेकर नया अपडेट जारी किया है। जी हाँ, जिसके अनुसार राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। केंद्रीय जल आयोग यानी CWC ने उत्तरी बिहार के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। जी हां, पूर्वी चंपारण में 4, भोजपुर में 3 की मौत, जबकि सारण में 3 लोगों की मौत हुई। और अगर अररिया की बात करें तो अररिया में 2 लोगों की मौत हुई। वहीं पश्चिम चंपारण में 2 की मौत और मुजफ्फरपुर, बांका और सारण में भी 1-1 लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद CM नीतीश कुमार ने दुख भी जताया है और 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है और साथ ही लोगों से घरों में रहने की भी अपील की है। बहरहाल खबर हुई समाप्त। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।